मैं इसकी ब्लाउज नहीं बल्कि इसकी स्कार्फ बनाने वाली हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो होने वाली है साड़ी हॉल, मिशो साड़ी हॉल, और बहुत ही अफोर्डेबल साड़ी, बहुत ही ट्रेंडी साड़ियाँ मैंने कलेक्ट की है। एक तो अभी सावन चल रहा है, हैप्पी सावन, और अभी आने वाली है राखी, देन आने वाली है तीज। तो दो वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, राखी स्पेशल एंड तीज स्पेशल, दोनों वीडियो जरूर चेकआउट करना। बहुत ही अच्छे कलेक्शन मैंने शेयर किया है एंड प्रॉपर तीज लुक मैंने शेयर किया है, तो वो वीडियो आपको जरूर ही पसंद आएगी। एंड शेयर कर देना अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और आज की वीडियो है उन लोगों के लिए जो बहुत लाइट वेट साड़ियाँ पसंद करते हैं, फ्लोई फ्लोई से फैब्रिक अच्छे लगते हैं। कुछ साड़ियाँ मैंने सेलेक्ट की हैं जो 200 से लेके 600 या 700 के बीच में हैं, और बीना दिलाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर आप जानते हो काफ़ी सारे सीरियल्स एंड ये रही उनकी पिक, उसमें मैंने उनको बहुत टाइम पहले इस तरह की साड़ी देखी थी पहने हुए, और सेम मुझे मिशो पे मिल गई। सेम क्या, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से मैंने उठाए हैं, कुछ लिनन कॉटन साड़ियाँ भी मैंने उठाई हैं, एंड ऑर्गेंजा साड़ी भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है एक ऑर्गेंजा साड़ी हॉल। मीन्स डिफरेंट कैटेगरी से लाइट वेट साड़ियाँ मैंने कलेक्ट की है जो बहुत ही अच्छे लगते हैं, लहरिया प्रिंट, टाई एंड डाई, ऑर्गेंजा डिजाइनर साड़ी, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे काफ़ी अच्छे कलेक्शन मैंने कलेक्ट किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इन केस अगर आपने अभी तक मीशो ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो एंड पा सकते हो 100 पीस का ऑफ ऑन योर फर्स्ट परचेज। एंड अब चलते हैं वीडियो की तरफ। एंड ये सेकेंड टाइम मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, उसके पहले अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। तो गाइज ये रही वो साड़ी, एंड सेम काइंड ऑफ साड़ी मुझे मिल गई। इसकी जो फैब्रिक है ना, सिफोन, बिल्कुल प्योर सिफोन है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। यहाँ पे आपको ये बॉर्डर थोड़ा साटिन फिनिश वाला बॉर्डर आपको मिल जा रहा है, एक्स्ट्रा में जो ये बॉर्डर है ये गोल्डन कलर की जरी वाली लाइन मिल जा रही है, देन साटिन फिनिश वाला बॉर्डर मिल जा रहा है, एंड पूरी फैब्रिक जो है बहुत फ्लोई फ्लोई सी है। पहनने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, अभी तक मैंने ट्राई ऑन नहीं किया है। तो दिस इज फर्स्ट साड़ी एंड ये रही आंचल, एंड ये रही पूरी साड़ी, एंड इसकी ब्लाउज पीस बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम लाइट बेबी पिंक कलर की है। एंड मैं इसकी ब्लाउज नहीं बल्कि इसकी स्कार्फ बनाने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी चले हुए हैं ना इस तरह से स्कार्फ, अब चाहो तो अपने बालों में टाई अप कर सकते हो। तो है ना अच्छा आइडिया। तो दिस इज फर्स्ट साड़ी, अगर आप लाइट वेट साड़ियाँ पसंद करते हो इस तरह की पिंक पिंक वाला कॉम्बिनेशन साड़ी है। एंड बाय द वे बहुत जगह मैंने ऐसी साड़ियाँ देखी लाइक आजियो एंड मिंत्रा पे, तो वहाँ रिटर्न था लहरिया साड़ी, जबकि इसे टाई एंड डाई बोलेंगे या लहरिया साड़ी बोलेंगे प्लीज कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट साड़ी है ये ग्रीन एंड ग्रीन की कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे ऑरेंज भी है, एंड इसके फ्लावर्स कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, साइनी सा फैब्रिक है ये, है ऑर्गेंजा फैब्रिक। इसकी प्रिंट मुझे बहुत पसंद आई इसलिए मैंने ये साड़ी सेलेक्ट की है। इस तरह की इसकी प्रिंट्स हैं, इसकी ब्लाउज की फैब्रिक डिफरेंट है, थोड़ी सिल्क काइंड ऑफ फैब्रिक है इसकी, देख सकते हो ये सिल्क काइंड ऑफ फैब्रिक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पैरट ग्रीन, बिल्कुल लाइट ग्रीन है, लाइट ग्रीन भी निकलेंगे, लाइन कलर बोलेंगे। एंड नेक्स्ट साड़ी अगेन टाई एंड डाई बोलो या लहरिया प्रिंट बोलो, जो भी बोलो, सेम प्रिंट में है, इसकी प्रिंट्स है इस तरह से, एंड अंदर की तरफ डार्क ग्रीन एंड लाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, एंड इसमें जो बॉर्डर्स हैं वो जरी बॉर्डर एंड थोड़ी साटन फिनिश वाली जो है, सेम फैब्रिक, डिफरेंट फैब्रिक वाली बॉर्डर है, एंड ये पूरी सिफोन की साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत लाइट वेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। पहन के मैं दिखाऊँ, ओह माय गॉड, मैं ट्राई ऑन के लिए एक्साइटेड हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। इस तरह की जो सिफोन एंड ऑर्गेंजा फैब्रिक है ना, मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी बाय करने का, पर
सर्च कर रही थी तो बहुत ही ज्यादा प्राइस पे मिल रहे थे, ओवर प्राइस मिल रहे थे, 3000-5000 के अराउंड मिंत्रा एंड आजियो पे मैंने देखे हैं। एंड बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर भी सेल कर रहे हैं, पर इंस्टाग्राम स्टोर पे एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर ट्रस्टेड पेज नहीं है या मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा है तो आपके पैसे फंस जाते हैं और वो रिटर्न एक्सचेंज नहीं लेते हैं। एंड इसकी भी ब्लाउज की फैब्रिक बहुत ही फ्लोई फ्लोई सी है, इसमें भी आपको वो बॉर्डर्स मिल जाएंगे। एंड उसमें बॉर्डर डार्क ग्रीन का था एंड इसमें आपको लाइट ग्रीन एंड गोल्डन बॉर्डर मिल जा रहे हैं, जो कि अगर मैं यूज़ करूँगी तो मैं भी इसे स्कार्फ की तरह यूज़ करने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के सिफॉन जो होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे दुपट्टा वाले जो फैब्रिक होते हैं उनमें बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट साड़ी जो है वो है इसकी ब्लाउज पीस, मैंने कहाँ रखी मुझे मिल नहीं रही है, तो उसकी क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी। एंड थोड़ा ब्रोकेड काइंड ऑफ पैटर्न में था, डार्क ग्रीन एंड ये नेवी ब्लू है, पर मिस्टेक हो गया मेरे से, मैंने जब ऑर्डर किया तो उसमें थोड़ा सा रॉयल ब्लू कलर लग रहा था, पर जब मैंने रिसीव किया तो ये नेवी ब्लू आया, पर ये भी कलर मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैंने रिटर्न नहीं किया। एंड बिल्कुल सिफॉन वाली जो साड़ी होती है, यहाँ पे आपको गोल्डन कलर के बॉर्डर मिल जा रहे हैं एंड ये पूरी फ्लोई फ्लोई सी एकदम प्लेन साड़ी है। एंड ये इस तरह की सेम साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट पे देखी थी, अमेजोन पे देखी थी, जिसकी प्राइस थी 500-599 इस तरह से प्राइस थी। एंड मीशो पे मुझे ये 200 या 299 में मैंने ये बाई किया है, मुझे बहुत उसकी अकॉर्डिंग तो बहुत पसंद आई है। एंड इस तरह की साड़ी अगर आप शॉप से परचेज भी करोगे वहाँ भी इतने कम प्राइस पे तो नहीं मिलेगी। असम बहुत पसंद आई है, इसे तो बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझे मेरे पास क्रॉप टॉप्स एंड ब्लाउज मैंने कलेक्ट किए हैं उसके साथ, बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आप साड़ी लुक देखना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड नेक्स्ट साड़ी जो है वो अभी मैंने ओपन नहीं की है, ये लिनन काइंड ऑफ इसका फैब्रिक लग रहा है, लिनन कॉटन उस तरह की फैब्रिक है। देन जो शाइनी सा टेक्सचर है ना, इस तरह के पैटर्न ज़्यादातर लिनन की साड़ियों में देखने को मिलता है एंड काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। कॉटन लिनन साड़ी मतलब आपको पसंद अगर आती है तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड प्राइस भी अच्छी है। ब्लाउज पीस आई थिंक अटैच है शायद, इस तरह की ये साड़ी है। कौन सी साड़ी आपको पसंद आई कमेंट में जरूर बताना। एंड एक और साड़ी ऑर्डर मैंने की हुई है लैरियो प्रिंट में, कलर उसका बहुत प्यारा है, तो दो साड़ी ऑर्डर की थी पर एक किसी कारण कैंसिल हो गई, तो दोनों की क्लिप यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गैस नेक्स्ट साड़ी मुझे रिसीव हो गई है जो है लहरिया प्रिंट, इसी का मैं वेट कर रही थी, इसी चक्कर में मैंने अभी तक वीडियो अपलोड नहीं की है। तो यहाँ पे आपको बहुत प्यारा सा कोटा पट्टी वाला वर्क मिल जा रहा है, ये है ब्लाउज की फैब्रिक, ये एक्चुअली इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे आपको नॉर्मल स्टिचिंग मिल जा रही है एंड ये दोनों साइड से आपको नहीं एक ही साइड में ये वाला वर्क मिल जा रहा है, जो आपके बैक साइड में आप दिलवा सकते हो या फ्रंट साइड में दिलवा सकते हो या स्लीव में दिलवा सकते हो। तो ये है फैब्रिक ब्लाउज की एंड आई थिंक ये कपड़ा कौन सा है, यानी नॉर्मल जो ब्लाउजेज वाली फैब्रिक होती है वही है, ये क्रेप जॉर्जेट काइंड ऑफ फैब्रिक वाली साड़ी है एंड बहुत ही प्यारी कलर वाली साड़ी है। इसमें आपको फ्रंट में इस तरह से कोटा पट्टी वाली लाइनिंग मिल जाती है, जो आप देख सकते हैं ऐसे कोटा पट्टी वर्क है एंड पीछे से भी अच्छा सा ये क्या बोलते हैं लैस या जो भी है कपड़ा स्टिच किया हुआ है, जिससे ये मतलब सिक्योर हो जाता है ये। एंड इसमें तीन कलर आपको ट्राई कलर मिल जाते हैं, एक येलो देन लाइम ग्रीन काइंड ऑफ कलर एंड इसमें लहरिया प्रिंट जो है वाइट का जो आपको मिल रहा है एंड देन ग्रीन। कंट्रास्ट काफी अच्छा है इस तरह से, पूरा लहरिया जो प्रिंट है ना येलो मस्टर्ड ऑफ व्हाइट लाइम ग्रीन एंड ग्रीन मेहंदी ग्रीन बोलेंगे ना तो पता नहीं, तो इस तरह से आपको मिल जा रही है येलो
ये वाइट हो जा रहा है, फोकस फोकस फोकस। साड़ी काफ़ी लाइट है, अगर लाइट फैब्रिक में साड़ी इस तरह की आप बाय करना पसंद करते हो तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी ही आएगी, क्योंकि मैं नहीं ज़्यादा साड़ी पहनती हूँ तब तो मुझे ये पसंद आएगी। बस मेरे पास मैचिंग ब्लाउज नहीं था इसलिए मैंने क्रॉप टॉप एंड ब्लाउज ही है उसके साथ पेयर करके मैंने स्टाइल किया है, आप क्लिप देख सकते हो। पसंद आ रही है तो बाय कर सकते हो, अंडर 600 के आसपास इसकी प्राइस है।